हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है आप सबका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइज, आप सब जानते हैं कि बैसाख चल रहा है और बैसाख की आज पूर्णिमा है, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध एक शांति के प्रतीक थे। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा की अपने चैनल के जरिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गौतम बुद्ध एक शांति का प्रतीक हैं, जो कि भारत देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में आज भी उनकी व्याख्या है, आज भी लोग उनको बड़े श्रद्धा और भाव से मानते हैं। गाइस, इस बार जो बुद्ध पूर्णिमा है वो 4 मई को 11:45 से स्टार्ट होकर 5 मई को 11:04 तक मनाई जाएगी। महात्मा बुद्ध का जन्म पुष्प नक्षत्र में 563 वर्ष पहले कपिल वस्तु में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे और इनकी माता महामाया का स्वर्गवास इनके जन्म के 7वें दिन बाद ही हो गया था, इसलिए इनका जो पालन पोषण था इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। और गाइज, आप भी जानते हैं, तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो महर्षि ऋषि मुनि थे उनकी जो भविष्यवाणी हुई थी कि ये जो महात्मा बुद्ध रहेंगे ये एक सन्यासी रहेंगे, तो राजा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा, तो इन्होंने इनकी शादी बचपन में ही 16 वर्ष की उम्र में कर दी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी शादी यशोधरा के साथ 16 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई। कुछ समय बाद इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। गाइज, महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे ऋषि मुनि सबसे वेद शास्त्र गीता भागवत सब चीज़ का मतलब अच्छे से अध्ययन किया, अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया, बट फिर भी उनको लगा कि ये ज्ञान उनका है, खुद का अनुभव नहीं है। लेकिन वो खुद पे विश्वास करते थे, प्रैक्टिकली ज्ञान पे विश्वास करते थे, इसलिए इतना सारा ज्ञान होने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली, इसलिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग कर दिया और अपने घर को छोड़ के वन की ओर निकल गए। गाइस, घर गृहत्याग करने के बाद इनकी जो मुलाकात हुई, इनके जो फर्स्ट गुरु थे वो गुरु आलाकराम थे, जिन्होंने इन्हें विपासना विधि का ज्ञान कराया। इनके आश्रम में ये 6 वर्ष तक रहे। गाइज, आज जो विपासना विधि है वो गौतम बुद्ध की देन है। गाइज, आप सब जानते हैं विपासना विधि एक ऐसी विधि है जिससे मन को, तन को, सबको एक शीतलता प्रदान होती है, शांति मिलती है, और हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आज विपासना से लोग अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मन को शांति प्रदान करते हैं। मैं भी गौतम बुद्ध के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, बट हाँ जितना पढ़ाया मैंने उतना मैं जितना मुझे याद है उतना मैंने आपको बताया। तो गाइज, गौतम बुद्ध जो कि प्रैक्टिकली ज्ञान पर विश्वास करते हैं, उनका कहना यही है कि किसी भी चीज़ पर जब तक विश्वास मत करो जब तक उसे परख ना लो। Shut up.
शरणं गच्छामि।